रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से निशुल्क सिलाई केंद्र का कैंट विधानसभा अशोक रोहाणी ने किया उद्घाटन। कैंट विधानसभा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य लगातार काम किए जा रहे हैं। शासकीय रोजगार उन्मुख ई योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंट विधायक द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शासकीय रोजगार उन्मुख योजना के अंतर्गत रानी अवंती बाई वार्ड में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई सेंटर शुरू किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हो रहे इस सेंटर का उद्घाटन कैंट के विधायक अशोक रोहाणी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के नगर उपाध्यक्ष रिंकू विज, विभा उपाध्यक्ष दामोदर सोनी, नगर निगम जबलपुर से दीपक दीक्षित, अनामिका पटेल जी, संतोष बैरागी, सौरभ गोयल, आशीष झारिया, महेश पासी एवं सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये रानी अवंती कैंट विधानसभा के अंतर्गत रानी अवंती वार्ड में एनुअलम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये रानी अवंती वार्ड में निःशुल्क महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए खोला गया सिलाई सेंटर, जिसमें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे, उनके लिए ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें कि लगभग कितनी महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 180 महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और ये 4.5 महीने तक चलेगा, निःशुल्क रहेगा। इसके बाद महिलाओं को प्लेसमेंट भी दिया जाएगा, उनको समूहों के माध्यम से छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे, जिनमें कि इन लोगों को सिलाई के बाद जो समूहों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि समूहों में गणवेश के लिए महिलाओं को गणवेश सिलाई के लिए दिया जाएगा, तो महिलाओं को हम कोशिश करेंगे कि समूह के माध्यम से गणवेश सिलाई का भी काम दिया जाए, ताकि आत्मनिर्भर बने। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैंट के यशस्वी विधायक सम्मानित श्री अशोक भैया जी, वार्ड के पार्षद नगर उपाध्यक्ष श्री रिंकू विज जी उपस्थित रहे, एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति उपस्थित रही, जिन्होंने जिनके अंदर अपार हर्ष है कि ये सिलाई सेंटर खुले, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनेंगी। और जो ये सेंटर है, गरीबों को अमीरों का भेद मिटाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है कि भेद मिटे महिलाएँ, निश्चित रूप से इस सिलाई सेंटर से लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनेगी। मैम आपका नाम? श्रीमती विभा उपाध्याय, रानी अवंती वार्ड के संयोजक, ये सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो कहलाता है, उसके अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर 180 महिलाओं को, जो कि 18 से 35 वर्ष की आयु ग्रुप में आते हैं, उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, जो कि लगभग 4 माह का है। और इस निःशुल्क प्रशिक्षण के पश्चात इनको रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, और इन्हीं में से स्वसहायता समूह का भी निर्माण किया जाएगा, और जो सफल प्रशिक्षु होंगे और जिनके समूह बन जाएंगे, उनको गणवेश निर्माण कार्य जो शासन के द्वारा स्कूलों के लिए बनवाए जाते हैं, उसमें भी संलग्न कराए जाएंगे, ऐसी मंशा है। आपका शुभ नाम? मैं दीपक दीक्षित, सिटी मैनेजर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कैंट विधानसभा में रानी अवंती बाई वार्ड के अंतर्गत केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो योजना है, उसमें आज सिलाई प्रशिक्षण हेतु यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा है, वो साकार होता नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में जहां महिलाओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण के लिए अपने आवेदन दिए हैं, निश्चित रूप से ये महिलाएं आने वाले समय में अपने रोजगार को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने में सहायक होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरे कैंट विधानसभा में हम हर वार्ड स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलकर और सहायता समूह से उनको जोड़कर उनके आत्मनिर्भर बनाने के उस संकल्प को, सपने को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को हम साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।